ratio of charge with time is called intensity of current, और सरल में हो गया intensity of current, ये क्या हो गया, Q क्या है, आवेश है, ये क्या है, T टाइम है। इस बटाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं या अनुपात कहते हैं, आवेश तथा समय के अनुपात को, आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं, अब देखिए अगेन इन इक्वेशन I इज इक्वल टू की बाई टी, इफ टी इज इक्वल टू वन सेकेंड हो तो देन तब क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि टी बराबर एक हो जाए, क्यू बटा एक बने क्यू, तब हम इसको इस तरह से कहते हैं, क्या कहते हैं, एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। द चार्जेस पासिंग इन वन सेकंड, इज कॉल्ड, और शॉर्ट में हो गया, इन वन सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ करंट। तीन तरह की परिभाषा हो गई, आपने क्या कहा, पहला वाला आपने देखा क्या है, किसी परिपथ के किसी एक बिंदु से एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं, इस तरह कह दीजिए, चाहे इस बटा वाले लाइन को अनुपात कह दीजिए, आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ करंट कहते हैं, द रेशियो ऑफ चार्ज विद टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ करंट। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ करंट, the unit of intensity of current is क्या होगा, I is equal to Q by T, आपको इसकी यूनिट ज्ञात करनी है तो कहोगे I की यूनिट, यूनिट ऑफ I इज इक्वल टू यूनिट ऑफ Q बटे यूनिट ऑफ T, क्या कहोगे, यूनिट ऑफ I इज इक्वल टू यूनिट ऑफ Q बटे यूनिट ऑफ T, I की का मात्रक बराबर Q का मात्रक बटे T का मात्रक, Q का मात्रक बटे Q का T का मात्रक, Q का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, क्या होता है, कूलम्ब, और T का मात्रक होता है सेकंड, कूलम्ब बटे सेकंड होता है, तो कहोगे विद्युत धारा की मात्रक, विद्युत धारा की इकाई, विद्युत धारा की यूनिट क्या है, कूलम बटे सेकंड, और इस कूलम बटे सेकंड को एक शब्द में कह दिया जाता है एम्पियर, चाहे कहो कूलम बटे सेकंड चाहे कहे ये एम्पियर, तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, कूलम बटे सेकंड, या इसी को हम कहते हैं एम्पियर, ये वैज्ञानिकों के नाम पर, कूलम भी वैज्ञानिक का नाम है, एम्पियर भी वैज्ञानिक का नाम है। अब आइए आगे बढ़िए, थोड़ा देख लीजिए सेल क्या होता है, आइए देख लीजिए सेल, क्या कहेंगे इसको, सेल निरंतर विद्युत धारा प्रदान करने वाली, निरंतर
विद्युत धारा प्रदान करने वाली युक्ति को प्रदान करने वाली युक्ति को सेल कहते हैं। सेल कहते हैं। अब आइए सबसे पहले या सबसे साधारण सेल वोल्टीय सेल होती है। ये क्या होती है जी? के वोल्टीय सेल है। कैसे है? इसमें देखिए ये एक कुचालक बर्तन है। क्या है ये? कुचालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके उसे कुचालक कहते हैं। बैड कंडक्टर कहते हैं इनको। बैड कंडक्टर जैसे सूखी लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये सब बैड कंडक्टर है। स्वच्छ पानी है तो ये भी बैड कंडक्टर है, लेकिन गंदा पानी है, कंटामिनेटेड है, तो वो गुड कंडक्टर हो जाता है। तो ये क्या है? ये कांच का बर्तन है, प्लास्टिक का बर्तन हो, लकड़ी का बर्तन हो, तो ये क्या होता है? कुचालक बर्तन होता है। ये कांच का एक कुचालक बर्तन लिया वोल्टा साहब, उन्होंने क्या बनाया? इसमें उन्होंने लिया क्या? ये सल्फ्यूरिक अम्ल लिया उन्होंने, H2SO4। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब आप जानते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड। क्या किया उन्होंने? इसमें दो छड़े उन्होंने डाल दिया। क्या किया? धातु की दो छड़, एक जस्ता की छड़ और दूसरी ये लटका दिया इसमें। ये क्या है? जिंक की छड़, जेडन या जिंक। दूसरी उन्होंने उसमें क्या लगाई? ये तांबे की छड़ उन्होंने डाला। ये प्रारंभिक है जिसने इस सेल का इजाद किया। सोचिए कि उसने मानवता पर कितना बड़ा एहसान किया, कितना आसान बना दिया। विद्युत का जन्मदाता वही हो गया समझिए, जिसने सेल बना दिया। तो ये क्या किया उन्होंने? एक जस्ता की छड़ लिया, एक तांबे की छड़ लिया। आपको भी ऐसे कुछ करना चाहिए। जो लोग इस तरह करते हैं वही बड़े वैज्ञानिक बनते हैं, और जो डरते हैं कहते हैं मैं बपुरा बोलन डरा रहा किनारे बैठ, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। तो देखिए मेहनत कीजिए। जो आदमी लगातार मेहनत करता है, अल्लाह ताला भी कहता है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, मेहनत के सिवा इंसान के हक में कोई भी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके अख्तियार है। अब आइए, तो ये जस्ता की छड़ उन्होंने लिया, फिर क्या किया उन्होंने? इसको एक तांबे के तार से या किसी सुचालक तार से जोड़ दिया और यहाँ बीच में एक बल्ब इसे लगा दिया। ये बल्ब हो गया आपका, लगा कि इस तरह से जोड़ दिया। तो उन्होंने देखा कि ये बल्ब जलने लगा, तो उन्होंने क्या किया? इसको जिंक की छड़ को ऋण सिरा कह दिया, तांबे की छड़ को धन कह दिया। इसको आप कैसे दिखाओगे? इसको हम लोग वैसे दो लाइने लिखते हैं, इसे समांतर लाइने हैं, तो इसको कहते हैं धनो ऋणोद कहते हैं। इसको क्या है? ये ऋणोद। इसको कहते हैं धनोद। इस क्षण को कहते हैं धनोद। ध्यान से देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यही विद्युत धारा की उत्पत्ति का साधन है ऋणोद। या इसको कहते हैं एनोड, कैथोड। इसको कहते हैं क्या? कहते हैं कैथोड। ऋण वाले को कैथोड कहते हैं, धनोद को एनोड कहते हैं अंग्रेजी में। अब आइए, ये क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल है या सॉल्यूशन है, विलयन है, जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। क्या है ये? सॉल्यूशन है। इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं या विद्युत अपघट्य कहते हैं। ये सब सारी चीजें जानना जरूरी है। विद्युत अपघट्य शुरुआत में, अगर ये शुरुआत में चीजें समझ में आए तो बहुत आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इसको, यानी ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसके अंदर से, यह रासायनिक पदार्थ रासायनिक यौगिक है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ऐसा रासायनिक यौगिक। अब रासायनिक यौगिक क्या, बाद में जानिएगा।
इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है ऐसा रासायनिक पदार्थ, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है रासायनिक यौगिक ही है, यह तार नहीं है, धातु की छड़ नहीं है, ये घोल है। तो ऐसा रासायनिक यौगिक इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य कहलाता है जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। अब आइए देखिए कैसे काम करता है, हल्का सा जानकारी ले लीजिए ताकि आपके समझ में ना आ जाए आसानी से। ये जो दो लाइनें आप देखोगे तो कहोगे ये कहां से सेली हो गया, ये यहां से इस तरह से जो लाइन खींचोगे इसकी यह है कनेक्टिंग वायर है, ये भी कनेक्टिंग वायर है, ये प्लस और माइनस यही बना दिया गया, इस पूरी व्यवस्था को इतना ही दिखाया जाता है। क्या होता है इसमें, कैसे यह लगातार आवेश प्रदान करता है, लगातार आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन और कुछ नहीं। उस जमाने में नहीं मालूम था कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि धन आवेश यहां से इधर चले आ रहे हैं, विद्युत धारा किधर से धनोत से ऋणोत की ओर चलती है माना गया था। इस चीज को हम लोग आई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ करंट। आइए कैसे क्या होता है, देखा यह गया है कि धातुएं, अभी मैंने बताया था कि धातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की, धनायन बनाने की इनमें क्षमता होती है बहुत अधिक। तो यह जस्ता क्या करता है, यह इसकी आदत होती है, यह अपने दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन बना देता है। क्या होता है यह जस्ता जिंक, जिसको हम लोग कहते धातु है, इसकी टेंडेंसी ये होती है कि अपने दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो जिंक आयन बना देता। क्यों त्यागता है, केमिस्ट्री भी पढ़ोगे। और ये क्या होता है दूसरी तरफ, ये कॉपर की छड़ है, ये कॉपर में भी ये टेंडेंसी होती है, ये क्या करता है, ये भी दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्यूपरिक आयन बनाता है और दो इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है, इसको कहते हैं क्यूपरिक आयन। ये जिंक आयन, ये जिंक धातु है, ये जिंक आयन है, ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये कॉपर है, कॉपर धातु है, ये कॉपर आयन है, दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। लेकिन देखा यह गया है कि जिंक ये भी चाहता है कि जिंक आयन बनाए, जिंक आयन बना करके इलेक्ट्रॉन त्याग दे, कॉपर भी चाहता है कि दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके हम कॉपर आयन बनाए। लेकिन देखा जाता है कि जिंक में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कॉपर की अपेक्षा अधिक है, तो ये क्या करता है, ये नहीं त्याग पाता है, ये जिंक क्या करता है, अपने दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन बना देता है, इलेक्ट्रॉन बना देता है। और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम लोग कहते हैं, ये विलयन में क्या होता है, ये H2SO4 जैसे ही पानी में घोला जाता है, ये क्या करता है, अपने धनायनों और ऋणायनों में टूट जाता है, 2 times CH+ sulfate इसको हम लोग कहते हैं, ये सल्फ्यूरिक आयन जैसे ही विलयन में घोला जाता है ये अपने आप टूट जाता है धनायन में और ऋणायन में। अब ये जस्ता जैसे ही विलयन में क्या करता है, जिंक आयन बनाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब ये क्या करता है, ये जिंक आयन और ये सल्फेट आयन, जो सल्फेट आयन है वो इस तरफ चल पड़ता है। क्या होता है, सल्फेट आयन को हाइड्रोजन के मुकाबले में जस्ता से ज्यादा लगाव होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सल्फेट आयन है, यहां हाइड्रोजन आयन रह गया इधर, क्यों ये सल्फेट आयन या हाइड्रोजन यहां क्यों नहीं आ रहा, सल्फेट क्यों आ गया। जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, मान लीजिए तमाम बच्चे बैठे हुए, किसी का कोई गार्जियन आ गया किसी लड़के का, तो अब सभी लड़के उस गार्जियन की तरफ नहीं दौड़ेंगे, उसमें कोई एक होगा जो दौड़ करके या अपने सर से पूछेगा कि सर हमारे गार्जियन आ गया, हम उनसे मिलना चाहते हैं, या वो गार्जियन कहेगा हम फलां लड़के से मिलना चाहते हैं, सभी लड़कों से नहीं कहेगा। ठीक यही हाल इसमें कि इस सल्फेट का लगाव हाइड्रोजन के मुकाबले में जिंक से ज्यादा है, जिंक आयन से ज्यादा है, नहीं समझ में। इस सल्फेट आयन का इस कॉपर आयन के मुकाबले में और हाइड्रोजन आयन के मुकाबले में, इसके मुकाबले यहाँ हाइड्रोजन आयन धन आयन ऋण आयन को आकर्षित करता है, ऋण आयन ऋण आयन को प्रतिकर्षित करता है, धन आयन को प्रतिकर्षित करता है, तो जानते ही है। तो यह सल्फेट आयन इधर चला आता है,
तो सल्फेट आयन क्या करेगा, इस जिंक आयन से क्रिया कर लेता है। जिंक आयन प्लस सल्फेट आयन मिल करके बना लेता है जिंक सल्फेट। क्या बना देता है? जिंक सल्फेट बना देता है। ये यौगिक बन गए। अब क्या होता है, अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन हुए, ये यहां पर ये कुछ तमाम इलेक्ट्रॉन इस छड़ पर बेचारे रह गए। जिंक साहब तो चले गए, सल्फेट से मिल गए, जिंक सल्फेट बना लिया। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों का समूह है जुड़ गया, अधिक हो गया। यहां इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, इधर इस छड़ पर कुछ नहीं है, तो कहते हैं इसके बीच में एक विभव उत्पन्न हो गया, वोल्टेज डिफरेंस हो गया। यानी इधर आवेशों की मात्रा बहुत अधिक हो गई ऋण आवेश की, यहाँ कुछ नहीं है। तो अब ये ऋण आवेश क्या करते हैं, इस तार में से होकर के इधर से यहां पहुंच जाते हैं। आगे क्या करते हैं, ये पहले लोगों को नहीं मालूम था क्या होता है, ये तो सिर्फ कह दिया धनों से इधर से ऋण चलती, लेकिन होता क्या, इलेक्ट्रॉन यहां से अब आते इधर, अब ये यहां पर आके पहुंचते हैं इस तार के छड़ पर, भी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। मान लीजिए यहां कुल 100 इलेक्ट्रॉन निकले इधर से, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन नहीं, तो 50 यहां रह जाएगा, तब तक इलेक्ट्रॉन जाएगा जब तक दोनों तरफ बराबर न हो जाए। अब इधर हो गया, जब इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, अब इस छड़ पर पूरे पर इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इलेक्ट्रॉन हो गए, जब ये हाइड्रोजन जो सल्फेट से अलग हो चुका था, ये भी सोचता है कि लो हम भी दौड़ करके पहुंच जाए, भाई इलेक्ट्रॉन साहब मिल गए। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये तो क्रिया कहां हो गई, ये ऋणोद पर क्रिया हो रही है। कहां हो गई, ये ऋणोद पर हो रही है क्रिया, कहां, ऋणोद पर। ये दोनों क्रियाएं ये कहां हो रही है, ऋणोद पर। ये तो विलयन में हुई, एक अलगे कर दू चाहे, ये क्रियाएं कहां हो रही है, ये ऋणोद पर क्रिया हो रही है। विलयन में कौन सी क्रिया होगी, ये H2SO4 है, ये बना देता है, क्या बनाएगा, 2 times CH2 हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन। ये क्रिया कहां है, विलयन में, इन सोल्यूशन विलयन में। ये क्रिया कहां हो रही है, तीन जगह देखोगे, ये विलयन में क्रिया हो रही है, कहां हो रही है, विलयन में, कहां हो रही है, ये क्रिया विलयन में हो रही है, कहां, ये क्रिया विलयन में हो रही है। ये क्रिया कहां हो रही है, ऋणोद पर हो रही है, ये है ऋणोद, यह है धनोद। अब धनोद पर क्या क्रिया होगी देखोगे, धनोद पर क्या क्रिया होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंच गया, ये हाइड्रोजन आयन यहां पहुंचता है, 2 times CH2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये लेकर के क्या बना लेता है, हाइड्रोजन परमाणु बना देता है। ये हाइड्रोजन परमाणु, इसकी आदत होती है, यह अकेला नहीं रह पाता है। क्या होता है, अकेला नहीं रह पाता है। कुछ लोग होते कहते भैया हम अकेले नहीं जाएंगे, हमको डर लगती है, तो वो क्या करता है, किसी एक को अपने साथ में कौन मिलता है, उसके साथ दूसरा हाइड्रोजन है, कोई यही नहीं है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके ये क्या बना देता है, H2 गैस ये हो जाता है। ये हाइड्रोजन परमाणु था, ये हाइड्रोजन गैस बन गई। अभी हाइड्रोजन गैस क्या होती, बड़ी हल्की होती, बुलबुले के रूप में ऊपर निकल जाती, बाहर चली जाती। ये क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि ये पूरा जिंक घुल करके समाप्त नहीं हो जाता है। आप देखते हो पुरानी जो सेल मिलती थी उसको आप देखते, तो ये जो सेल होती थी इस तरह से देखो ध्यान से, ये इस तरह से सेल होती थी, ये ऊपर एक टोपी सी मालूम होती थी, ये जस्ता की बनी होती थी, जिंक की। तो आप क्या करते थे, ये जस्ता इसे दबा करके लोग देखते थे, कह रहे सेल बेकार हो गई, पिचक गया है, यानी इसका कनेक्शन यहां से टूट जाता था, ये पिघल गई, खत्म हो गई जस्ता, जो इसमें इस जस्ते की जो कोटिंग होती थी वो खत्म हो गई, तो कहते थे अब बेकार हो गई। यदि ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ये जस्ता की छड़ पूरी की पूरी समाप्त नहीं हो जाती है, यानी ये निरंतर धारा आपको मिलती रहती है। यहां से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ये चली विद्युत धारा, यहां से चाहे का इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां से आता हुआ विलयन में होता हुआ फिर यहां पहुंच गया। तो ये क्रिया लगातार चलती रहती है जब तक कि ये जिंक सल्फेट समाप्त नहीं हो जाता है या सल्फ्यूरिक अम्ल समाप्त नहीं हो जाता है। इसमें सिर्फ पानी रह जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल खत्म हो जाएगा। तो यह रहा सेल, जिसका कि बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। बिना सेल के कोई आप विद्युत धारा का सवाल ही नहीं लगा पाएंगे।
या कोई कल्पना ही नहीं कर पाएंगे कि विद्युत धारा हो जब तक सेल ना हो, यानी निरंतर विद्युत धारा प्रदान करने वाली युक्ति को सेल कहते हैं। अब बैटरी किसे कहते हैं? सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। दो या दो से अधिक सेलों, चाहे कहो सेलों के संयोजन को, संयोजन को बैटरी कहते हैं। बस दो या दो से अधिक सेल हो गए उनको बैटरी कहते हैं। ये आज करा, अब कल हम लोग दूसरी चीज पढ़ेंगे। इतना बहुत जरूरी है इसके बारे में। बताओ एक घंटा।